हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है नीम पानी से। मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग आजकल नीम का पानी पी रहे हैं। पापा पीछे ही हमारे घर में ही पेड़ है, वहाँ से तोड़ लाते हैं पत्ते और बस यहाँ पे पानी में डाल के साफ करके नीम के पत्ते पानी में डाल दिए और 10-15 मिनट उबालिए और उसको बंद कर दीजिए और जब ठंडा हो जाए पी दीजिए। तो बस नीम का पानी यहाँ उबल रहा है और आज 9th मई है। आज मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे टू एवरी मदर जो इतनी इंस्पायरिंग है, इतनी लविंग है, इतने अच्छे से ध्यान रखती है अपनी फैमिली का। सबको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, अब उसके बाद जो है इवान के नाश्ते की बारी आई ब्रेकफास्ट की। तो वैसे सबने तो घर में वही आजकल मैंगो शेक, बनाना शेक, यही सब चल रहा है, लेकिन इवान जो है वो मोस्टली प्रिफर करता है पराठे खाना। उसको पराठा ही अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट में। तो मैंने सोचा आज उसके लिए प्याज का पराठा बनाती हूँ। बहुत दिन हो गए प्याज का पराठा बनाए। डेली वो आलू का, कभी दाल का, कभी नमक धनिए का, यही सब खाता है मसाला पराठा। लेकिन आज मुझे लगा आज मैं प्याज का बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं प्याज छील रही थी, अच्छे से धो रही थी मैंने प्याज। उसके बाद ये मेरा मिनी चॉपर जो है पिजन का, ये तो नंबर वन है, इससे कितनी भी बारीक हो सकती है। तो मैंने इसको अच्छे से, तो बस मैंने सोचा प्याज का पराठा ही बना देती हूँ आज। तो मैं कुछ अलग स्टाइल से बना रही हूँ प्याज का पराठा। एक्चुअली प्याज आपको पता ही है, जब आप गोल पराठा बनाएंगे और डायरेक्ट भर देंगे उसमें तो निकलने लगती है, फट जाता है पराठा पूरा। तो मुझे लगा आज कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ, ये मेरी सासू माँ ने सिखाया मुझे तरीका। तो इसमें बस बड़ा सिंपल सा ही है, मैंने एक छोटी सी लोई ली है पूरी के साइज़ की और उसको बेल लिया है आधा सा। फिर मैंने दूसरी लोई भी उसी साइज़ की बना ली थी और जो पहली लोई थी उस पर पूरे में अच्छे में प्याज फैला दी थी और फिर दूसरी लोई भी उसके ऊपर रख दी थी, सारे कोनों को चिपका, मतलब पूरे पराठे को चिपका दिया था। इससे क्या है, आप कितना भी मटेरियल भर सकते हैं, कितने भी प्याज भर सकते हैं और ना ही निकलता है इसमें। और बस फिर मैंने इसको सूखा आटा लगा के बेल दिया था, देखिए बिल्कुल भी नहीं निकला था और हल्का बहुत निकले भी तो हाथ से हटा दीजिए। बहुत ईजी है ये तरीका और बहुत अच्छे से बन जाता है। तो बस फिर मैं इवान का परांठा हमेशा घी में सेकती हूँ, तो घी लगाया था, फिर परांठा डाला था एक साइड से, जब वो सिक गया था तो दूसरी साइड पलट के घी लगा दिया था और इस तरीके से अलट पलट करके बढ़िया सा सेक लिया था। देखिए कितना करारा परांठा बना है। तो चलिए इवान को खिलाते हैं पहले, उसके बाद कुछ और काम करेंगे। अब जो है टाइम हो रहा है 12 बजे के आसपास और ये हमारे घर का पीछे वाला एरिया है, मतलब घर के अंदर ही है ये पार्ट। तो आजकल बच्चे बेचारे बाहर तो जा नहीं पा रहे तो इसको यहीं पे खिला रहे थे। तो ये आजकल ये मैट वाले इससे बहुत खेल रहा है, अपने मैट वाले अल्फाबेट से, तो यहीं खेल रहा था। फिर कभी साइकिल चला रहा था, साइड में इसकी एक फ्रेंड रहती है पीहू, मतलब वो उसकी नानी का घर है, अभी आई हुई है, तो उसके साथ थोड़ा बहुत खेल लिया। तो बस यही मस्ती चल रही थी यहाँ पे इवान की। मदर्स डे है तो मुझे लगा कुछ स्पेशल बनाती हूँ, तो आज मैंने टिक्की बनाई है। तो चलिए किचन में चलते हैं, पहले टिक्की बनाते हैं। आज यही लंच है हमारा और इवान जो है उसे भी टिक्की पसंद आई थी, उसने भी एक टिक्की खा ली थी और बाकी उसे मैंने आधी रोटी भी खिला दी थी तो उसका भी पेट भर गया था। तो चलिए टिक्की बनाने के लिए चलते हैं। तो ये आलू जो है मम्मी ने सुबह ही बॉयल करके रख दिए थे, तो बस मैंने आलू डाले यहाँ पे, उसके बाद सारे मसाले डाल दिए। मसाले में मैं डालती हूँ सफ़ेद नमक, काला नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी मिर्च और इसको बढ़िया से हाथों से मैंने मिक्स कर लिया था। हाथों से क्या है ना, मिक्स करने से कभी भी गांठे नहीं बनती। तो बढ़िया, देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया और ये है एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट जिससे टिक्की इतनी लाल लाल और करारी करारी बनती है, ये है राइस का आटा, चावल का आटा। तो बस मैंने यहाँ पे चावल का आटा डाल दिया था एक कटोरी और उसके बाद इसको बढ़िया से हाथों से मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे देखिए मैंने गोल गोल शेप की टिक्की बना ली है, सारी बना के पहले ही रख ली थी, बस जो खा रहा था उसके हिसाब से मैं सेके जा रही थी। तो यहाँ पे सारी टिक्कियां बन गई हैं। तो चलिए अब इसे घी में सेकती हूँ मैं। तो घी डाल दिया है मैंने पैन में और चार चार टिक्की करके सेका था, तो चार टिक्की यहाँ पे रखती हैं
और फिर मीडियम गैस थी, और मीडियम गैस पे थोड़ी देर बाद पलटा तो देखिए क्या करारी टिक्की बनी थी, दोनों साइड से बढ़िया करारी हो गई थी, सबको घर में इतनी पसंद आई थी बहुत ज़्यादा। तो ये चारों टिक्की बन गई हैं। तो सबसे पहले आज मदर्स डे है तो मम्मी की प्लेट लगाती हूँ। मेरी सासू माँ ऐसी हैं, उन्होंने कभी भी मतलब वो सबसे लास्ट में ही खाना खाती हैं, जबकि मुझे तो ऐसा है जब से मैं आई हूँ यहाँ पे मुझे वो सोचती हैं कि सबसे पहले ही खा ले। कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं किया कि सास पहले खाना खाती है या बहू बाद में खाती है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग सारे खाना खा लेते हैं, अजय और मैं, अभिषेक भैया, पापा कभी लेट आते हैं तो लेट खाते हैं, नहीं तो वो भी खा लेते हैं। मम्मी हमेशा सबसे लास्ट में खाती हैं। मतलब ऐसी सास भी होती है जो बहू को पहले खाना खिला दे और बाद में खाए खुद, बहुत अच्छी है मेरी सासू माँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने मम्मी की प्लेट लगाने के लिए दो टिक्की रखी थी यहाँ पे, तीन टिक्की, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दही डाल दी थी। पहले चटनी डाली थी, रेड चटनी, ये रेड चटनी जो है रेडीमेड ही होती है, बस इसमें पानी मिक्स किया था मैंने तो ये बन गई थी। तो पहले चटनी डाली, उसके ऊपर दही डाली बढ़िया से, फिर चटनी डाली, फिर उसके ऊपर प्याज डाली, और फिर मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर छिड़क दिया था, और बढ़िया मस्त करारी टिक्की बनी थी, सबको घर में बहुत ही पसंद आई थी। टिक्की सबको बहुत अच्छी लगी, मम्मी के लिए खास कर बनाई थी मैंने। सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। यार माँ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो बस मम्मी मदर्स डे के उसमें ही बनाई थी, उपलक्ष्य में मैंने टिक्की, और टिक्की जो है सबको अच्छी लगी, मम्मी को तो खास कर बहुत अच्छी लगी, बाकी सबको भी अच्छी लगी। और बस अब यार शरीर बहुत टूटा टूटा हो रहा है, अजय बोल रहे हैं पैरासीटामोल देता हूँ। एक्चुअली वैक्सीन लगी थी ना कल, वैक्सीन का एक्सपीरियंस भी मैं व्लॉग जो है साथ साथ शूट कर रही हूँ, वो भी आपको कल मिल सकता है। कोवैक्सीन का दो दिन का एक्सपीरियंस शूट करूँगी क्या क्या है। अभी तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन अब मेरे बॉडी में पेन हो रहा है बहुत तेज़, पता नहीं क्यों। अब पैरासीटामोल लेती हूँ और थोड़ी देर सो जाती हूँ, और सो के उठ के फिर ईवान के लिए भी एक सरप्राइज़ है जो हमने प्लान कर रखा है, तो फिर उठने के बाद उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। तो चलिए अब देते हैं ईवान को सरप्राइज़। क्या आने वाला है? वो रहा न्यू टॉय, ईवान का न्यू टॉय। देखो मैं बताऊंगी आपको कैसे प्ले करते हैं। ये फिश लगी है भाई, ये न्यू टॉय। देखो ईवान का न्यू टॉय, ईवान ये ऑन होएगा, ऑन होएगा फिर चलेगा, घूमेगा। आप डालो फिश, हाँ ऐसे देखो ऐसे डालिए आपने एक स्टिक। आपको करो क्या है, जब फिश का मुंह खुलेगा तो आपको स्टिक डालनी है, ठीक है? ऐसे करना है, चलो इसको ऑन करो, फिच हो जाओ। देखो ऐसे करो स्टिक, ऐसे करो, ऐसे, हाँ अभी देखो माँ सिखाएगी कैसे करते हैं। यहाँ से ऑन करा, ओए अब डालो, जब फिश का मुंह खुलेगा आपको डालना है, फिश खींचो ऊपर, डालो डालो डालो, ऐसे नहीं निकालते, ऐसे देखो, ऐसे माँ ऐसे कर रही है, देखो एक बार फंस गई फंस गई फंस गई, ये ऐसे बंद नहीं निकालेगा। चलो ईवान आप भी फिश निकालो, निकालो निकालो अपनी से, अपनी से निकालो अपनी, जब मुंह खुले तो डाल दो, जब मुंह खुले तो डाल दो, मुंह खुलता है कब खुलेगा कब खुलेगा, यस 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 किसका, हां वेरी गुड, दोबारा दोबारा ट्राई करो, देखो इसका खुल रहा है, देखो देखो कहां से खुलेगा भाई, ये मां ने पकड़ ली। अच्छा आप ऑरेंज वाली लोगे, चलो चलो चलो, लेट्स पिक अप द फिशेस, लेट्स पिक अप द फिशेस, व्हिच वन आई विल पिक अप, दिस वन, ये माय फर्स्ट फिश, व्हिच वन ईवा विल पिक आउट, ये ईवा'स फर्स्ट फिश, वेरी नाइस, ये रही, चलो चलो ईवा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हिच वन व्हिच वन व्हिच वन, ओ ईवा सेकंड फिश, ईवा फर्स्ट आया है, वेरी नाइस ईवा, मम्मा भी, चलो ईवान नेक्स्ट नेक्स्ट, हु विल पिक अप, हु विल पिक अप द फिश फर्स्ट, हु विल पिक अप द फिश फर्स्ट, ये माय येलो फिश एंड ईवान्स ब्लू फिश, वेरी नाइस ईवान इज वेरी नाइस, चलो नेक्स्ट बस। तो ईवान को बहुत अच्छा लगा अपना सरप्राइज़, आपने देखा कितना खुश हो गया और इतना अच्छे से खेल रहा है, खेलना भी आ गया उसको, बस एक बार बताया था कि बेटा जैसे फिश का मुंह खुलेगा तो उसको ऊपर स्टिक से लेना है, बिल्कुल अच्छे से खेल रहा है, बहुत बढ़िया। आपने देखा फिशेज़ कितनी सारी कैच भी करी उसने, तो बहुत अच्छा था, बल्कि मदर्स डे था और बेटे को ही गिफ्ट मिल गया आज, उसके लिए मैंने कर रखा था सरप्राइज़ पहले से ही, भैया ने मंगाया वैसे वो उसके चाचा ने, पर लिंक मैंने ही दिया था उन्हें कि ये मंगा देना, वो पूछ रहे थे मुझसे कि भाभी क्या मंगाऊँ इसके लिए, तो मैंने कहा ये मंगा देना, वेबी का है ब्रांड का, बहुत अच्छा है, इसका रिव्यू मैं जल्द ही करूँगी।
तो बस अब 11 बज रहे हैं रात के, मैं सोच रही हूँ व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आने वाले व्लॉग्स में मिलेंगे। एक बार दोबारा से हैप्पी हैप्पी मदर्स डे टू एवरी मदर हु मेक्स लाइफ सो ब्यूटीफुल एंड सो इंस्पायरिंग। चलिए आने वाले व्लॉग्स में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाय, गुड नाइट।